नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोमनाथ ने मंत्री उपेंद्र तिवारी पर कटाक्ष किए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में फेफना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोमनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्री उपेंद्र तिवारी पर गंभीर आरोप लगाया है। सामूहिक विवाह में धांधली करने का आरोप है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये आपके बगल में आप इस आम आदमी पार्टी के सचिव हैं, आप फेफना विधानसभा से बिलोंग करते हैं, आपके बगल में मनीषा कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर क्या मामला चल रहा है? वही उसका तो चैनल चल रहा है कि मनीषा कोल्ड स्टोरेज उपेंद्र तिवारी जो भाजपा के वर्तमान मंत्री हैं और फेफना से विधायक भी हैं, उनके भाई दिनेश तिवारी का वो कोल्ड स्टोरेज है और वहाँ से भारी मात्रा में अवैध चीज़ें एसडीएम साहब के मौजूदगी में बरामद हुई है, जिसमें भारी मात्रा में कंबल है, साइकिल है, विकलांगों वाली गाड़ी है, कई ट्रकों पर बरामद किया गया है जो वहाँ छुपा करके रखा गया था चुनाव में बांट करके लोगों को लोभान्वित करने के लिए, जो घोर निंदनीय है। मैं तो कहता हूँ कि अगर योगी जी में जरा सा भी नैतिकता हो तो डोजर उनका वही चलना चाहिए। ये तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? इस पे सरकार को तुरंत FIR दर्ज करना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए उनको? योगी जी को तो अब कतई ऐसे लोगों को टिकट तक नहीं देना चाहिए और BJP से नैतिकता के आधार पर निकाल बाहर करना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ पिछले दिनों की बात है, ये जो सामूहिक शादियाँ हुई हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें किस तरीके का मामला है? वो शादियाँ वो समाज कल्याण विभाग का पैसा है, सरकारी खजाने का पैसा है, उसका घोर दुरुपयोग हुआ है और किसी को कुछ नहीं मिला है, जिसका वीडियो हमारे पास है। फेफना विधानसभा में मात्र एक ही परिवार था, सूरजवली राजभर का परिवार, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और वो भी रजिस्ट्रेशन बलिया से हुआ था, वो लोग तो रजिस्ट्रेशन कराए ही नहीं थे। सुरेंद्र पत्रकार ने उस पैसा का मंजूरी कराया था और यहाँ से खींच करके सत्ता के बल पर शादी को वहाँ ले जाया गया जहाँ कुछ नहीं दिया गया। सुनने में तो यहाँ तक आया कि वहाँ कई औरतों के गले से सिकड़ियाँ भी चोरी हुई थी, जिसमें कुछ औरतें बंद भी थी। जी, तो इसमें लाभार्थियों को सही तरीके से लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जी धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।